पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सितारे भी हाथ आजमा रहे थे, लेकिन ज्यादातर के हाथ हार ही लगी। देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कई मशहूर हस्तियों ने हाथ आजमाया। इनमें से कुछ को जीत मिली तो कुछ के हिस्से में हार आई। पांच राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने कई मशहूर चेहरों पर अपना भरोसा जताया था। केरल में पूर्व क्रिकेटर एस श्रीशांत तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें जीत का भरोसा भी था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल स्टार फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का भी रहा। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके भूटिया इस बार विधानसभा के लिए टीएमसी के टिकट पर खुद को आजमाने उतरे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार ही मिली। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना आधार मजबूत करने के इरादे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस को उम्मीदवार बनाया था। चंद्र कुमार भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल हावड़ा उत्तर से मशहूर एक्ट्रेस रूपा गांगुली का भी रहा। हालांकि टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली एक्ट्रेस देवश्री रॉय दीघी सीट से चुनाव जीत गईं। इन चुनावों में मशहूर हस्तियों को मिली जीत और हार ने ये बात साबित कर दी कि मतदाताओं पर उनका नहीं बल्कि उस पार्टी का जादू चला जिसकी तरफ से वो चुनाव मैदान में उतरे। भारत दौरे पर आए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। कुक एप्पल इंडिया के कर्मचारियों से भी मिले और भारत में नया ऑफिस का ऐलान किया। अपने एक हफ्ते के भारत दौरे पर एप्पल के सीईओ टिम कुक आज हैदराबाद पहुंचे। कुक ने हैदराबाद में न्यू डिजिटल मैप सेंटर खोलने का ऐलान किया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम से मुलाकात की, जिसके बाद एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कुक ने हैदराबाद में मेगा एप्पल कैंपस बनाने का भी ऐलान किया। अमेरिका से बाहर एप्पल का ये पहला टेक्नोलॉजी सेंटर है। कुक ने बताया कि भारत से उन्हें इतना प्यार मिलेगा इसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। एप्पल की तरफ से शुरू होने जा रहे नए डिजिटल मैप सेंटर से देश के करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले कल देर रात कुक के लिए मुंबई में शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत पर एक डिनर रखा था, जिसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां भी मौजूद थीं। टिम कुक का ये पहला भारत दौरा है। इस दौरे पर कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद की है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सूरज की तपिश ने सबको परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में अभी और गर्मी बढ़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। जहां दिल्ली में तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं हिसार में तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस छूने को बेताब है। सूरज के सितम और गर्म हवाओं की जलन से पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। दिल्ली हो या हरियाणा, कमोबेश हर जगह एक सा ही हाल है। लोग ठंड और छांव की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, कुछ न कुछ जतन कर रहे हैं। इतने भीषण गर्मी मेरी लाइफ में मैंने आते हुए देखी। मेरी उम्र 66 के करीब है और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। सुबह 6 बजे से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और गर्मी से इतना बुरा हाल है, किसी भी चीज को टच करते हैं उसी टाइम इतनी जलन होती है हाथों में। जहां दिल्ली में तापमान 45 डिग्री को छू रहा है, वहीं हिसार में तो पारा इस सीजन में सबसे अधिकतम 46.7 डिग्री को भी छू चुका है। अभी आने वाले 3-4 दिनों में पारा और बढ़ने के ही आसार हैं। हरियाणा की बात करें तो हमारे अक्सर जो है 1 जुलाई के आसपास जो हरियाणा में आता है, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं 1-2 तारीख के आसपास ये पहुंच जाएगा। देश में मानसून के 5-6 दिन की देरी से आने के आसार हैं, लेकिन हरियाणा के लिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ मानसून समय पर दस्तक देगा, यानी 1 मई को हरियाणा में हो सकते हैं मानसून के दीदार। तब तक कीजिए थोड़ा इंतजार। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत दिए हैं। राहत की बात बस यही है कि हरियाणा में मानसून समय पर यानी 1 जुलाई को ही दस्तक देगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। लगातार गर्म हो रहे मौसम का असर पशुओं पर भी पड़ रहा है। गर्मी की वजह से पिछले 7-8 दिनों में आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है। आसमान से आग बरसती गर्मी ने इंसानों के साथ ही पशुओं का भी हाल बेहाल कर दिया है।
हिसार में तो हालत ऐसी है कि पिछले 7-8 दिनों में हॉट स्ट्रोक से आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है। आसमान से बरस रही आग और भीषण गर्मी से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं बेजुबान पशुओं का हाल भी बुरा है। भीषण गर्मी और लू का सबसे ज्यादा असर दुधारू पशुओं पर पड़ रहा है। इस कारण पशु हीट स्ट्रोक, इन्फेक्शन और खराब पाचन के शिकार हो रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिसार में पिछले 7-8 दिनों में ही करीब आधा दर्जन पशुओं के लिए ये गर्मी जानलेवा साबित हुई है। जब से ये गर्मी बढ़ी है, गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसका असर पशुओं पर पूरा बुरा है। एक तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास जो स्टॉल में केस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पशुओं को लूए लग गई, हीट स्ट्रोक के केस बोलते हैं। सिटी ब्यूटीफुल से भी सूर्यदेव खासे नाराज नजर आ रहे हैं और आग बबूला होकर जमकर आग बरसा रहे हैं। मॉनसून आने में अभी काफी वक्त है, उससे पहले चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और ऊपर से मौसम विभाग भी जल्द राहत के संकेत नहीं दे रहा। सिटी ब्यूटीफुल की फिजाओं में घुलती चुभती गर्मी और उमस ने इस शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऊपर से सितम ये है कि मौसम विभाग भी फिलहाल राहत के संकेत नहीं दे रहा है। वेदर के अकॉर्डिंग लोग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, गर्मी करके सारे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वाल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। इतने संडे कंपेयर यूपी तो इतने ज्यादा गर्मी है, सो गर्मी तो बच्चे नहीं, लोग ज्यादातर प्रेफर कर दे आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक हो गया ही सब। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उबलते मौसम में जितना ज्यादा हो सके गर्मी से बचना ही मुनासिब है। खासकर बच्चों को तो सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच बिल्कुल भी बाहर ना निकलने दें, क्योंकि लू के गर्म थपेड़े उन्हें बीमार कर सकते हैं। देखिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दिन में काफी गर्मी रहता है, तो अभी कंटिन्यू करेगा ये जो बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी हिसार की बात करें तो 46.8 पिछले कल चला गया है और यही कंडीशंस बनी रहेंगी। चंडीगढ़ 43-44 के आसपास टेम्परेचर जा रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जल्द राहत के आसार नहीं है, तो ऐसे में ठंडी चीजों का ही सहारा बचता है। मानसून के आने में अभी देरी है, लेकिन उससे पहले चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए सजग रहना जरूरी है। तो अच्छा है कि आप और हम मौसम को ज्यादा कोसने के बजाय खुद थोड़ा एहतियात बरतें। उमस भरी गर्मी में मौसम को कोसने से अच्छा है कि सूरज की तपिश और लू से बचने के लिए आप खुद भी थोड़ा सजग रहें और अपने परिवार को बीमार होने से बचाएं। नेहा शर्मा के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। गर्मी की तपिश पहाड़ों तक भी पहुंच गई है। गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर गए सैलानियों के हाथ खासी मायूसी लग रही है। मैदानी इलाकों में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है, पहाड़ी इलाके भी इससे अछूते नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने सितम बरपा रखा है, आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार है। पहाड़ों की रानी शिमला हो या फिर हिमाचल प्रदेश का कोई और हिल स्टेशन, हर जगह इन दिनों तपते सूरज ने डेरा जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। न स्थानीय लोगों को राहत है, न सैलानियों को सुकून। लोग आए थे एक ठंडी की मौसम की आशा करके, पर यहां दिन में जितनी धूप है जो आशा की थी वो हिसाब से ठंड नहीं है। हिमाचल के बाद अब देखें अन्य शहरों के मौसम का हाल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हिसार आज भी सबसे गर्म रहा, जबकि साइबर सिटी गुड़गांव और भटिंडा में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू गया। आज के मौसम की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि हिसार 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज भी सबसे गर्म रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर साइबर सिटी गुड़गांव रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के भटिंडा में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अमृतसर में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल के मुकाबले आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला की बात करें, यहां आज 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तापमान में बढ़ोतरी जारी है। यहां आज तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं जम्मू में अधिकतम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, हिमाचल के ऊना में भी 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया।
गर्मियों में सैलानियों की पसंदीदा जगह मनाली में भी तापमान 27 डिग्री के आंकड़े को छू गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पारा 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पहाड़ी राज्यों की राजधानी शिमला और श्रीनगर में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।